विदिशा की सिविल लाइन पुलिस ने नशे के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो आरोपियों से 14 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ चरस गांजा अवैध शराब और नशीले पदार्थ के खिलाफ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूरे जिले में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर गेहूं खेड़ी ग्राम तरफ से विदिशा आ रहे हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी शहबाज खान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को मौके पर भेजा। जैसा कि आपको पता है, विदिशा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसी तारतम्य थाना सिविल लाइन टीम को लगाया गया था। टीम को कल शाम को सूचना मिली कि गेहूं खेड़ा रोड पे सिटी 100 मोटरसाइकिल में दो लोग अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर तस्करी के लिए लेकर जा रहे हैं। टीम ने रेड किया, दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें एक विनय शर्मा पिता राजू शर्मा निवासी हासुआ, दूसरा मनीष यादव पिता कमल यादव निवासी विदिशा के हैं। दोनों की तलाशी ली गई, जिनके पास कुल 14 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती करीब 2 लाख की पकड़ी गई है। इनके विरुद्ध NDPS का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया, आज न्यायालय पेश किया जाएगा।